हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 400 परमानेंट पोस्ट्स हैं और सैलरी पैकेज बहुत अच्छी है। 12 लाख रुपीज़ पर एनम, मतलब एवरी मंथ 1 लाख रुपीज़। फुल डिटेल्स के लिए आगे बढ़ेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ चुकी है, तो बाकी की सभी डिटेल्स हम वहाँ पर चल के, जैसे एप्लीकेशन फ़ी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले, ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहीं पर आपको करियर सेक्शन या जॉब सेक्शन मिलेगी। यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें 400 पोस्ट हैं। जॉब पोस्ट डेट 8 जून 2022 को अपडेट आई हुई है इसकी, और सिलेबस वगैरह अपडेटेड ऑन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें से डाउनलोड कर लेते हैं हम। अपडेट ऑन 7 जून, ये एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करते पहले। ये इस तरीके से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होती है, इसके हिसाब से क्या कौन से कैंडिडेट हैं जो एप्लीकेशन कर सकते हैं, मीन्स क्वालिफिकेशन वाइज, वो पहले देखेंगे, फिर एज चेक करते हैं और फीस, एप्लीकेशन फीस वगैरह। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस, तो बीएससी वाले जिसमें कि उन्होंने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा हो, तो बीएससी वाले कैंडिडेट कर सकते हैं। और या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आपने इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स किसी न किसी सेमेस्टर में आपने पढ़ा होना चाहिए। तो देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड जो फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री जो होता है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के रहते ही हैं फर्स्ट ईयर में, तो एनी इंजीनियर कैंडिडेट एलिजिबल। अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऑल्सो, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अगर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। उनके लिए 4 सीट्स हैं, टोटल 400 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 163 पोस्ट्स हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए। तो मतलब सीधा मतलब ये हो गया कि बीएससी अगर आपने किया हुआ है जिसमें आपने मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ा हुआ है, या फिर इंजीनियरिंग किसी भी विषय से किसी भी डिसिप्लिन में किया है बट फिजिक्स एंड मैथ्स आपने पढ़ा है किसी भी सेमेस्टर में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। और इसके बाद द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश 12 लेवल पर, तो ये शैल हैव पास्ट इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट और आपने पढ़ी होनी चाहिए 10 या 12 में, तो वो एक इंग्लिश तो हम स्कूल लेवल पर पढ़ते ही हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि इसके लिए जो डेट है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स का क्या है वगैरह। डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या कॉलेज है उससे ही आपकी डिग्री होनी चाहिए, अपने वैलिड डिग्री होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स 60% मार्क्स या उसके अबव वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते, मिनिमम आपके पास 60% होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग बी, बी टेक, बी एस सी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पोजेसिंग रिकॉग्नाइज डिग्रीज एज पर, तो ये सब है। इसके बाद एज लिमिट है, 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, मीन्स आपके एज जो है कैलकुलेट करनी है 14 जुलाई 2022 को बेस लेके, जिसमें अपर एज लिमिट 27, मीन्स 27 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन दी गई है, STSC कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन है, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जिसमें SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर की रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 ईयर्स की, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स की। इसके अलावा और भी एज में रिलैक्सेशन दी हुई है, ये आपको चेक करना। ओपनिंग डेट है, एक्चुअली एडवर्टीजमेंट आ चुकी है बट 15 जून से शुरू होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 14 जुलाई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। और पे स्केल यहाँ पर दी हुई है, जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है द बोल्ड में यहाँ द CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी अराउंड 12 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपये पर एनम रहेंगे। तो मीन्स बहुत ही कट भी कर दिए जाए, कई सारे डिडक्शंस भी हो जाए, तो भी सैलरी 80,000 to 90,000 जरूर पर मंथ बनने वाले हैं। आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए 14 जुलाई 2022 तक।
इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी हम चेक कर लेते हैं। सैलरी आपने देखा, एज क्राइटेरिया चेक कर लिया, कौन कौन से कैंडिडेट, बीएससी किसी से भी है, बीएससी लाइफ साइंस से भी है लेकिन आपने मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ा है तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बीटेक किसी भी स्पेशलाइजेशन से लेकिन मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट अब ये पूरी एडवर्टीजमेंट 7 पेजेस की है, इसमें मैं एप्लीकेशन फ़ी वाला पार्ट सर्च कर रही हूँ और कहाँ से ये एप्लीकेशन आप लोकेट कर सकते हैं। अभी तो लिंक नहीं मिलेगी क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ 11 जून को और एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी 15 जून तक। एप्लीकेशन फ़ी दी हुई है पेज नंबर 6 पर। एप्लीकेशन फ़ी ₹1000 टू बी पेड बाय द कैंडिडेट। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स हैव टू पे ओनली ₹81। हाउएवर PWD एंड अप्रेंटिसेस हु हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी फी। तो किनको नहीं देनी है, PWD कैंडिडेट को और जिन्होंने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप की हुई है AAI से, वो उनको फ़ी नहीं देनी है। बाकी SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स को नॉमिनल चार्ज है ₹81 81 रुपीज़, और बाकी सभी कैंडिडेट्स को मीन्स मेल कैंडिडेट्स जो बाकी हो गए जनरल के या EWS के OBC के, उनको देना है ₹1000 एप्लीकेशन फ़ी। कहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं ये फिर से हम देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के। तो ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन ऑफिशियल वेबसाइट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पर आपको आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाएं। अच्छा, इसके पहले आपको बोलूँ, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये इंजीनियरिंग बेसिकली इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स के लिए जॉब है। अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप ऐसे जॉब्स चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दें, सो दैट मुझे पता रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हैं ऐसी जॉब्स के लिए, तो मैं ऐसी जॉब्स अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा आपको प्रोवाइड करूँगी जो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। अब इसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स में सर्च करना है, या एक मिनट देखते कि कहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए, ये करियर सेक्शन है, इस पर करियर सेक्शन पर एक बार क्लिक करके देखते हैं। ये एक पेज ओपन हो रही है करियर सेक्शन पर क्लिक करने से, और इसमें ही रिक्रूटमेंट नोटिस दिखेगी हमें। ये इस तरीके से ओपन हुई फर्स्ट पेज में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन AAI अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर देख लें 2/2022, और 400 पोस्ट है। 8 जून को अपडेट हुई है। यहाँ पर आप देख सकेंगे सिलेबस, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेबस आपको मिलेगी। सिलेबस डाउनलोड क्लिक कर डाउनलोड कर लेते एक बार, ये भी देख सकते हैं थोड़ा। ये सिलेबस के लिए पेज ओपन हो गई है। सिलेबस में क्या दिया हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, पार्ट ए में रहेगा इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स, जनरल नॉलेज अवेयरनेस 10 मार्क्स के लिए रहेंगे। फिर पार्ट बी में आपका रहेगा 60 मार्क्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर रहेंगे, 60 मार्क 50%, तो 50-50% वेटेज इस तरीके से रहेगी पार्ट ए और तो पार्ट ए जो है वो तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा रीजनिंग इंटेलिजेंस जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश जनरल नॉलेज अवेयरनेस, और पार्ट बी जिनकी मैथ्स एंड फिजिक्स अच्छी है वो ये कर सकते हैं। बाइलिंगुअल रहेगी, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे का वक्त मिलेगा पर क्वेश्चन 1 मिनट। हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा, मीडियम रहेगा, और देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ निगेटिव मार्किंग, और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। विकीपीडिया से मैंने लिया, फिर भी वेरीफाई कर लें। एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से आप खुद पढ़ लें, उसके बाद एप्लीकेशन करें। बेस्ट विशेष।